नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर निबंध। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उनके पिता जानकी नाथ बोस थे, जो एक सफल बैरिस्टर थे, और मां प्रभावती देवी एक गृहिणी थी। वे एक प्रतिभावान छात्र थे। आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करके उन्होंने अपनी योग्यता का परिचय दिया। देश के लिए अटूट प्रेम के कारण यह अंग्रेजों की नौकरी नहीं कर सके। बंगाल के देशभक्त चितरंजन दास की प्रेरणा से यह राजनीति में आए। गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन में भाग लेकर यह जेल भी गए। सुभाष चंद्र बोस ने दूसरे विश्व युद्ध में उन्होंने भारत छोड़ने का फैसला किया और उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी की कमान संभाली। बोस जी ने भारतीय कांग्रेस से अलग होकर ऑल इंडिया फॉरवर्ड की स्थापना की थी। उन्होंने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य रखा। उनका नारा था जय हिंद। वह हिंदू मुस्लिम एकता के समर्थक थे। गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहकर संबोधित किया था। 18 अगस्त 1945 को एक विमान दुर्घटना में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु हो गई थी। नेताजी को बंगाल के बाघ से भी जाना जाता है। वह अग्रणी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। उनके नारों दिल्ली चलो और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा से युवा वर्ग में एक नए उत्साह का प्रभाव हुआ था। वह आज हमारे बीच नहीं है, पर उनका बलिदान, देश प्रेम एवं आदर्श जीवन हमें सदैव प्रेरणा देता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट।